हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जुग्गू एक्स्ट्रा। और गेम में ग्रैब कैसे करना है, हॉप कैसे करना है और दीवार पे कूदना कैसे है, तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। आई नो ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें आती है, मगर ये वीडियो प्योरली बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक बंदा जो नया नया गेम डाउनलोड कर रहा है उसको ये सब चीज़ें नहीं आती, तो मैं ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से तुम्हें समझाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून। और अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें आती भी है तो तुम वीडियो देखते रहो, अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ तो तुम कमेंट्स में बोलना मुझे कि भाई यहाँ पे तूने ये चीज़ गलत बताई। और ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैं लिंक कैरेक्टर का यूज़ करूँगा, क्योंकि ये वाला कैरेक्टर सब लोगों के पास होता है। देखो, सबसे पहले ना तुम्हें दो अटैक सीखना पड़ेगा। सबसे पहले स्पेशल अटैक। तो स्पेशल अटैक कैसे करना है कि सामने जॉयस्टिक करना है और तुम्हें अटैक वाली बटन दबाना है, मतलब तुम्हें मुट्ठी की बटन दबाना है, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और इसके साथ फिर तुम्हें स्पिनिंग अटैक सीखना है, ठीक है। स्पिनिंग अटैक भी बहुत ईजी है, बस तुम्हें अपनी बैक वाली जॉयस्टिक दबाना है और फिर वही मुट्ठी की बटन दबाना है, अटैक करना है तुम्हें, ठीक है। ये दो अटैक तुम आप कर लेते हो और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो तुमको ग्रैब करना आ गया, तो तुम बोलो कि भाई ग्रैब करना तो सिखाया नहीं, तो बहुत सिंपल है, बस यही अटैक तुम्हें अपोनेंट के पास जाके करना है तो वो ग्रैब हो जाएगा। तो पास मतलब कितना पास? पास मतलब इतना पास कि तुम दोनों के पैर टच हो रहे हो, ठीक है। जितने ज़्यादा तुम्हारे पैर टच हो रहे हो उतना अच्छे तरीके से ग्रैब होगा, मतलब तुम्हारे स्पेशल अटैक लगने के कम चांस होंगे और ग्रैब ज़्यादा होगा। तो ग्रैब करने की कंडीशन सुनो, सबसे पहले तुम दोनों के पैर टच होने चाहिए। सेकेंड चीज, तुम स्पेशल या फिर स्पिनिंग अटैक अपोनेंट के पास करोगे तो ग्रैब होगा, मगर तुम्हारा अपोनेंट स्टिल रहना चाहिए। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें अटैक नहीं करना रहना चाहिए। अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें अटैक कर रहा है तो फिर तुम ग्रैब नहीं कर पाओगे उसे। और तुम्हें अटैक की बटन को सिर्फ एक बार टैप करना है, वो भी हल्का सा टैप करना, ठीक है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो वहां पे तुम्हारा स्पेशल या फिर स्पिनिंग अटैक लग जाएगा, क्योंकि स्पेशल अटैक में अगर तुम दो बार अटैक वाली बटन दबाते हो तो वो कंटिन्यू रहता है। हमने एक ही बार दबा रहे हैं और पास में जाके हल्का सा ही दबाना है बस। अब हॉप कैसे करना है वो सुनो, ठीक है। तुम अगर तुम्हारे जॉयस्टिक को दो बार फॉरवर्ड टैप करोगे तो तुम्हारा होगा फॉरवर्ड हॉप, दो बार पीछे टैप करोगे तो ये होगा बैकवर्ड हॉप। मगर हॉप करते टाइम एक चीज याद रखना कि तुम्हारा डिफेंस ऑफ हो जाता है। इसका मतलब तुम्हारा अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें अटैक करेगा तो उसके अटैक लगेगी, तुम ब्लॉक नहीं कर पाओगे अगर तुम हॉप कर रहे हो। तो हॉप तभी करना जब एकदम तुम सेफ हो। अगर तुम सेफ नहीं हो, अपोनेंट तुम्हें अटैक कर सकता है तो उसके अटैक तुम्हें लग जाएगी, क्योंकि तुम हॉप करते टाइम तुम अटैक नहीं कर सकते हो, तो वो अगर तुम्हें अटैक कर रहा है तो तुम्हें गारंटीड अटैक लगने वाले। अब बाईपास कैसे करना है, तुम्हें हॉप जैसे करते थे वैसे ही करना है, बस तुम्हें अपोनेंट की तरफ जॉयस्टिक को दो बार दबाना है, ठीक है। तुम अपोनेंट की तरफ जॉयस्टिक को दो बार फटाक से दबाओगे तो तुम अपोनेंट के आर पार चले जाओगे, मतलब उस पार चले जाओगे। मगर यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, तुम्हारा डिफेंस ऑफ हो जाएगा अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें मार रहा है तो उसके अटैक तुम्हें लग जाएंगे, तो ये चीज करना भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब हम बात करें कि क्राउच कैसे करना है। तो क्राउच करना बहुत ज्यादा इजी है, बस तुम्हें अपनी जॉयस्टिक को नीचे करना है, ठीक है, तो तुम क्राउच हो जाओगे। तो इससे तुम रेंज वेपन को डॉच कर सकते हो, मतलब ज्यादातर रेंज वेपन को। कुछ रेंज वेपन को तुम फिर भी डॉच नहीं कर सकते, जैसे अगर सार्ज तुम्हें हैमर फेंक के मार रहा है या फिर हॉन्जू उसकी फायरवर्क मार रहा है तो तुम उसे डॉच नहीं कर सकते, मगर जितने भी बाकी अटैक्स है तुम उन सबको डॉच कर सकते हो। रेंज अटैक की बात कर रहा हूँ। मगर तुम ऐसे ही फालतू में क्राउच करते हो तो तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें आराम से अटैक कर देगा, क्योंकि इस टाइम पे भी तुम्हारा डिफेंस ऑफ रहता है। अब दीवार पे कैसे जंप करना है वो सुनो, ठीक है। तो तुम वॉल के तरफ तुम्हें बस अपने जॉयस्टिक को टैप करना है, बस इतना सा करना है, तो तुम वॉल पे जंप कर दो। अब न्यू प्लेयर्स के लिए एक बहुत ही कॉमन सा मैं तुम्हें कॉम्बो बता रहा हूँ जो कि हर कोई यूज करता है। अगर तुम्हारा अपोनेंट स्टिल खड़ा हुआ है, तुम्हें अटैक नहीं कर रहा था, तुम्हें बस उसके पास हॉप करके जाना, उसको ग्रैब करना है, लोअर मारना है। देखो, ये हॉप किया, उसको ग्रैब किया और एक लोअर मारा, ये तुम्हारा कॉम्बो हो गया। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब हर कोई ये कॉम्बो यूज़ करता है, मगर ये डेंजरस है। तुम्हें ये ध्यान रखना है तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें अटैक ना कर दे कहीं। अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें अटैक कर रहा है तो ये चीज़ काम नहीं करती, ये डेंजरस है, ठीक है। अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो ये बहुत खतरनाक है। होप कि तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ईजी वे में समझाने का ट्राई किया। अगर कुछ रह गया होगा तो तुम कमेंट्स में लिखना, और तुम्हें और किस चीज़ की वीडियो चाहिए तो वो भी तुम कमेंट्स में लिखना, मैं तुम जो भी बोलोगे मैं वाली वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने मेन चैनल पे अब भी एक वीडियो अपलोड करी, एकदम अब भी की अब भी, तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दे दूंगा, तुम जाके उसको देखो यार। देखो बोल रहा हूँ ना, जाओ बोल रहा हूँ ना, जल्दी लिंक पे क्लिक करो और जाओ और वीडियो देख के मुझे बताओ कि कैसी लगी तुम्हें।